हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं लेट्स गो हेल्दी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी विलेज डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, जिसकी हेल्प से आप रिड्यूस कर सकते हैं 7 kg 2 वीक्स में बहुत ही इजीली। अभी डाइट प्लान क्यों है? रिसेंटली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि हम विलेजेस में रहते हैं एंड प्लस हमारे पास बहुत ही फैंसी डाइट फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हम अपना वेट लॉस कैसे अचीव करें। तो ये डाइट प्लान उन सभी के लिए है, जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी इन डाइट प्लान के साथ बहुत ही अच्छा वेट लॉस अचीव किया है। अगर आप पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं dietitianshina@gmail.com पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सीजी दिए गए नंबर पे, और हम स्टार्ट कर सकते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। तो आइए देखते हैं कि अपने विलेज डाइट प्लान फॉर वेट लॉस के लिए इसकी हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं 7 kg 2 वीक्स में उसके लिए क्या लेंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक में अपना नॉर्मल 2 ग्लास गर्म पानी कंज्यूम करेंगे। अब इसकी हेल्प से हमारी बॉडी में जितने भी बैड टॉक्सिंस है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म सुबह गर्म पानी पीने से बहुत ही बूस्टेड अप रहता है। आप इसमें एक लेमन स्क्वीज भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज के साथ, और अपना विटामिन सी अचीव कर सकते हैं लेमन वाटर के साथ। तो आप इसमें लेमन वाटर ले सकते हैं या फिर आप सिंपल 2 ग्लास गर्म पानी की भी ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस की तरफ। ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी। आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, आप ले सकते हैं चीला। अब चीला आप ले सकते हैं सूजी का, बेसन का या फिर मूंग दाल का। आप इसमें से कोई भी चीला पिक कर सकते हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा हाई प्रोटीन सोर्स है आपके ब्रेकफास्ट के लिए, प्लस इनको प्रिपेयर करना भी बहुत ही इजी है। अब इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसको ऐसे ही प्रिपेयर भी कर सकते हैं। रेसिपीज ऑलरेडी मेरे चैनल पे सारी अप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं एक डिलीशियस चीला। साथ में आप ले सकते हैं रायता या फिर चटनी, आप पुदीने की चटनी ले सकते हैं या फिर आप रायता भी ले सकते हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप सिंपली इस पे 1 चम्मच देसी घी का डाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है, आप ले सकते हैं वेजी पोहा। अब हमेशा जब भी आप पोहा लें तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं और बहुत ही कम पोहा, जिसके साथ आपका फाइबर इंटेक पूरा होता है, प्लस आपको बहुत ही अच्छा इसमें वेट लॉस बेनिफिट भी मिलता है, बिकॉज हम इसमें कार्ब्स कम ले रहे हैं जो कि पोहा है, और हम इसमें वेजिटेबल्स यानी कि जो फाइबर रिच फूड है वो ज्यादा ले रहे हैं। आप इसमें कुछ पीनट्स भी डाल सकते हैं अपने हेल्दी फैट्स के लिए और इन्जॉय कर सकते हैं आपका डिलीशियस हेल्दी वेजी पोहा। और चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ। अब लास्ट ऑप्शन के लिए आप ले सकते हैं इडली। अब ये उन सभी के लिए है जो साउथ इंडियन फूड बहुत ही प्रेफर करते हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए, तो आप ले सकते हैं 2 इडलीज। आप रागी की इडली बना सकते हैं जो कि बहुत ही हेल्दी आयरन रिच सोर्स है आपके वेट लॉस के लिए, नहीं तो आप नॉर्मल राइस इडली भी खा सकते हैं। आप 2 इडलीज ले सकते हैं, साथ में आप ले सकते हैं चटनी जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा फाइबर रिच सोर्स है, एंड प्लस कोकोनट आपके हेयर स्किन कोलेजन को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करता है। तो आप डेफिनेटली ये रेसिपीज चूज कर सकते हैं आपके ब्रेकफास्ट ऑप्शन के लिए। चलते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ, जो कि हम लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम जो होता है। उसमें आप ले सकते हैं एक कोई भी सीजनल फ्रूट जो कि आपके पास रेडली अवेलेबल हो, या कि बनाना हो सकता है, ऑरेंज, एप्पल, जो भी आपके पास एक फ्रूट हो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं आपके मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। चलते हैं हमारे लंच ऑप्शन की तरफ। अब लंच के पहले आप मेक श्योर करना है कि आप कम से कम 3 से 4 ग्लास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी जरूर कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि हमारा वाटर लेवल है वो कंप्लीट रहे, हाइड्रेशन इंप्रूव रहे, प्लस हमारे बॉडी में जितने भी बैड टॉक्सिंस है वो टाइमली रिमूव होते रहे। चलते हैं हमारे लंच ऑप्शंस की तरफ। लंच के लिए मैं आपको दूंगी 2 ऑप्शंस। आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, आप ले सकते हैं बाजरा, ज्वार, जौ या फिर रागी की रोटी। इसमें बहुत ही अच्छा आयरन, प्रोटीन, फाइबर प्रेजेंट होता है। और गेहूं की आटे की रोटी आप बहुत ही कम प्रेफर कीजिए, बिकॉज इसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ ग्लूटेन होता है, जबकि बॉडी में इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक करता है। इसीलिए हम हमेशा मिलेट रोटी ही प्रेफर करते हैं वेट लॉस के लिए। इसके लिए आप ले सकते हैं बाजरा, ज्वार, जौ या फिर रागी की रोटी। साथ में ले सकते हैं कोई भी सीजनल सब्जी जैसे कि बीन्स, भिंडी, करेला, लौकी, बैंगन, गोभी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसकी सब्जी पैक कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं आपका लंच। साथ में आप ले सकते हैं थोड़ा सा दही और बहुत सारा सैलेड। चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन मेरे सारे राइस लवर्स के लिए है, जिनको भी राइस खाना लंच में बहुत ही पसंद है, तो वो ले सकते हैं ब्राउन राइस या फिर सिंगल पॉलिश्ड राइस या फिर रेड राइस या फिर ब्लैक राइस, जो भी आपके पास लोकली सोर्स्ड अवेलेबल राइस है। इवन की अगर आपके पास बासमती राइस भी है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट हमेशा राइस की क्वालिटी हम बहुत ही कम रखते हैं वेट लॉस जर्नी में। और सब्जी यानी कि जो भी आप उसके लिए लेना चाहें, जैसे ब्लैक चना, व्हाइट चना, राजमा, चिकन करी, फिश करी, एग करी, सांबर, रसम, दाल, आप कुछ भी लेना चाहते हैं राइस के साथ, उसकी क्वांटिटी हायर अमाउंट रखिए और राइस की क्वांटिटी कम। साथ में आपको लेना चाहिए एक फुल बाउल दही का, यानी कि कर्ड, जो आपके घर का जमाया हुआ दही हो, और साथ में आपको लेना चाहिए सैलेड बहुत सारा।
जैसे कि जिसमें आप डाल सकते हैं खीरा, टमाटर, प्याज, और उस पे किसी भी टाइप का हम नमक बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। आप नींबू को स्क्वीज कर सकते हैं उसके ऊपर, सायर के ऊपर, लेकिन किसी भी टाइप का सॉल्ट कभी भी इस पे ऐड मत कीजिएगा। चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ आपके लंच के लिए। तो आप ले सकते हैं 2 से 3 प्लेन डोसास। प्रेफर कीजिए कि अगर आप रागी का डोसा लेना चाहें तो वो बेटर होगा आपके लिए, बिकॉज वो मिलेट डोसा है एंड प्लस बहुत ही अच्छा उसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है। उसका आप ले सकते हैं सांबर या रसम, या फिर आप ले सकते हैं चटनी, और एंजॉय कर सकते हैं आपका डिलीशियस साउथ इंडियन लंच ऑप्शन, अगर आपको लंच में साउथ इंडियन खाना पसंद है तो। और देखते हैं कि वो अपने मिड इवनिंग स्नैक के लिए क्या लेंगे, जो आता है बेसिकली लंच और डिनर के टाइम के बीच के। अगर आपको चाय की हैबिट है तो आप चाय या कॉफी ले सकते हैं इस टाइम के बीच में, नहीं तो आप सिंपली एक ग्लास लस्सी का भी ले सकते हैं। अब मेरी पुदीने की लस्सी की रेसिपी ये है मेरे चैनल पे, अब बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। एवरी सिंगल टाइम आप इसको कंज्यूम कीजिए, बहुत ही अच्छा इसमें फाइबर भी है, प्लस प्रोबायोटिक, जैसे कि दही में प्रोबायोटिक कॉन्टेंट बहुत ही अच्छा प्रेजेंट होता है इसमें, वो है। तो आप एक ग्लास लस्सी या छाछ भी ले सकते हैं। चलते हैं हमारे डिनर ऑप्शन की तरफ। डिनर के लिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा एक बाउल दाल का, जो कि आप ले सकते हैं धुली हुई दाल या फिर अरहर की दाल या फिर कोई भी दाल प्रेफर कर सकते हैं। याद रखिए कि इसमें कम से कम नमक डालने की कोशिश कीजिए, बिकॉज डिनर में अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप कम से कम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। डिनर जितना नमक फ्री होगा या सॉल्ट फ्री होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है वेट लॉस जर्नी के लिए। साथ में आप ले सकते हैं एक ब्यूटीफुल बाउल ऑफ सैलेड और एक कटोरी भर के दाल की। चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन के लिए आप ले सकते हैं पनीर की सब्जी या फिर आप पनीर टिक्का ले सकते हैं। अब पनीर को रोस्ट करना पैन में या तवे में बहुत ही इजी है। आप इसको सिंपली ग्रिल या टोस्ट कर सकते हैं। साथ में आप ले सकते हैं कैप्सिकम, प्याज, और साथ में आप ले सकते हैं पुदीने की चटनी, और एंजॉय कर सकते हैं आपका डिलीशियस पनीर टिक्का। अगर आपको पनीर टिक्का नहीं बनाना पसंद है तो आप सिंपली पनीर की भुर्जी भी ले सकते हैं। आप बस 100 ग्राम पनीर की भुर्जी ही प्रेफर कीजिएगा आपके डिनर के लिए। साथ में आप ले सकते हैं बहुत सारा सैलेड, इसमें आप ले सकते हैं खीरा, टमाटर, प्याज, और एंजॉय कर सकते हैं आपका बहुत ही टेस्टी, न्यूट्रिशियस, हाई प्रोटीन डिनर ऑप्शन। चलते हैं हमारे बेड टाइम ड्रिंक की तरफ। अब बेड टाइम ड्रिंक वो ड्रिंक है जो आप सोने से पहले लेते हैं, जो कि हम प्रेफर करते हैं कि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं अजवाइन जीरे का पानी। इसको प्रिपेयर करना बहुत ही इजी है, प्लस बहुत ही बेनिफिशियल आपके वेट लॉस के लिए, बिकॉज आपकी बॉडी में से सारा वाटर टेंशन, स्टोर्ड वाटर या किसी भी टाइप का प्रोटीन स्वेलिंग ये बहुत ही जल्दी रिमूव करता है। तो आप ले सकते हैं अजवाइन जीरे का पानी, या फिर आप ले सकते हैं सिंपली 2 ग्लास गर्म पानी सोने से पहले। इस डार्क प्लानिंग के साथ प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप कम से कम 2 से 3 लीटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर जरूर कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन में, ताकि आपके बॉडी में से सारे बैड टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव हो सके, प्लस आपके बॉडी में किसी भी टाइप की पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना वेट लॉस मेरे से करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पे, और हम स्टार्ट करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इधर लाइक बटन, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी है किसी भी टाइप की, आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद। आप कोई भी आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल लेट्स गो हेल्दी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी एवरीडे व्लॉग्स, रील्स चेक करने के लिए, और मैं आपको मिलूंगी अपने अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट ऑलवेज।